गुरुमुखो जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुखो, आज एक बहुत ही पुरानी रूहानी और नूरानी लीला आपको सुनाने जा रहा हूँ। श्री गुरु महाराज जी ने कैसे सूरज को बांध दिया, कैसे रोक दिया। श्री गुरु महाराज जी विराजमान एक कुटिया में थे और उन्होंने उस समय के माहौल को देखते हुए एक आज्ञा सुना रखी थी, कोई भी लेडी संगत सूरज ढलने के बाद नहीं आएगी। लेकिन होता क्या है गुरुमुखो, कुछ ही दूरी पर एक गुरुमुख परिवार रहता है, पास में किसी गांव में। उनकी एक छोटी बच्ची को श्री दर्शनों के लिए इच्छा उठती है। वो इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है, इतनी प्रबल हो जाती है कि उससे रहा नहीं जाता। वो अपने पिताजी को कहती है, पिताजी मुझे श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने अभी जाना है। तो उसके पिताजी कहते हैं, नहीं बेटा, आपको तो पता है श्री गुरु महाराज जी ने आज्ञा सुना रखी है कि सूरज ढलने के बाद कोई भी संगत लेडी संगत दर्शनों के लिए नहीं जा सकती और सूरज ढलने ही वाला है 2-4 मिनट में। वो बहुत मायूस हो जाती है और कहती है कि शायद ये जान चली ना जाए। तो उसके पिताजी को भी तरस आता है और कहते हैं, ठीक है। उस समय गुरुमुखो घोड़े और टांगे चलते थे। उसके पिताजी ने कहा कि ठीक है, हम चलते हैं। और इतने में क्या होता है कि वो सोचती है कि मैं सूरज को कुछ कह दूं, शायद मेरे भगवान जी मेरी सुन ले। वो बाहर जाती है, सूरज की तरफ मुंह करके कहती है, हे सूरज, जाना मत जब तक मैं श्री गुरु महाराज जी के दर्शन नहीं कर लेती। तो गुरुमुखो, ये है अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा अपने सदगुरु के ऊपर कि वो सूरज को रोक देंगे। तो होता ऐसे ही है गुरुमुखो। आगे क्या होता है, वो घोड़े पर बैठकर सदगुरु के दरबार में जाते हैं और श्री गुरु महाराज जी अपने आसन पर विराजमान होते हैं एक कमरे के अंदर। वो बच्ची भागी भागी श्री गुरु महाराज जी के पास जाती है, चरणों में दंडवत प्रणाम कर देती है और प्रणाम करके श्री गुरु महाराज जी को कहती है, श्री गुरु महाराज जी आपकी बहुत याद आ रही थी, रूह तरस रही थी आपके श्री दर्शनों के लिए। और श्री गुरु महाराज जी ने बड़े प्यार से उसे उठाया और मुस्कुराए और श्री गुरु महाराज जी ने कहा, वो बात तो ठीक है, लेकिन जाओ, पहले बाहर जाओ और जिसको बोल करके आई है, जिसको आदेश दे करके आई है, उसको ढल जाने का आदेश दे करके आ। तो गुरुमुखो, उस बच्ची की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरे सदगुरु देव भगवान, जानी जान अंतर्यामी मेरे महाप्रभु, घट घट की जानने वाले हैं, देखो कैसे कितनी दूर से पहचान लिया कि मैंने उसे रोका है। तो गुरुमुखो, ऐसे भगवान हमारे जो घट घट के वासी हैं और हर दिलों की जानने वाले हैं, ऐसे अंतर्यामी महाप्रभु की सदा ही जय जयकार है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, अगर आपको लीलाएं सुनने में आनंद आ रहा हो तो आप मुझे प्लीज बता दीजिए ताकि मैं और लीलाएं आप तक पहुंचा सकूं। जय सच्चिदानंद जी।